फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोमी और सोमीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूं, बंगाली स्टाइल खीर की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से बोलना चाहूंगी कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, मुझे इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिलता है। जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में रखे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो खीर जो बनता है, जो छोटे वाले जो चावल राइस होते हैं वो मैंने लिया है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद इसे स्ट्रेनर में ये मैंने पानी छान लिया है। तब मैं इसे एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लूंगी। साथ ही इसमें मुझे ऐड करना है, ये मैंने लगभग हाफ टी स्पून ये मैंने घी लिया है, ये ऐड करूंगी। ये मैंने घी ऐड कर दिया है, इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। एक बार इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, अब इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। तो मैंने इस कप के मेजरमेंट से मैंने राइस लिया था, तो उतना ही जितना चावल लिए हैं आप उतना ही आपको शुगर लेना है। तो ये मैंने 1 कप शुगर भी ले लिया है और यहाँ दूध बॉयल होने के लिए मैं रख दी हूँ। दूध बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें पहले राइस ऐड करूंगी। राइस मैंने ऐड कर दिया है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। साथ ही यहाँ पे मैं 2 इलायची ली हूँ और 2 तेज पत्ता और यहाँ पे 1 पिंच मैंने सॉल्ट लिया है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं पर ये दे के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। कोई भी मीठी चीज में थोड़ा सा अगर सॉल्ट दिया जाए तो उसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम रहना चाहिए। इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब इसको इसी तरह से बॉयल होने देना है और इसे कंटिन्यू इस तरीके से स्टिर करते रहना है और ये किनारे किनारे भी थोड़ा आप चलाते रहिएगा। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पे मैंने पकाते पकाते, ये देखिए पकाया है इसे और किनारे से इसे कंटिन्यू इसे ऐसे चलाते रहिएगा। अभी और थोड़ा सा कुक होना बाकी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राइस जो है वो लगभग पक चुके हैं, पूरे सॉफ्ट हो गए हैं। तो ये देखिए, ये मैं एक राइस आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें शुगर ऐड कर दूंगी। शुगर पहले मत डालिएगा नहीं तो चावल जो है वो अच्छे से पकेंगे नहीं। मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, काजू और किशमिश। आप चाहे तो काजू और किशमिश को घी में फ्राई कर सकते हो पर मुझे इसमें पसंद नहीं है इसलिए मैं फ्राई नहीं की हूँ। अब मैं ये ऐड कर दूंगी। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है। यहाँ लगभग मैंने 1 केजी मिल्क का मैं यूज की हूँ, 1 लीटर मिल्क। इसे अच्छे से इस तरह चला लेना है। फिर से बोल रही हूँ गैस का फ्लेम जो है उसे लो ही रखिएगा। तो ये देखिए ये रेसिपी बनकर रेडी है। अब मैं इसे ज्यादा और नहीं पकाऊंगी, ये ठंडा हो जाने के बाद अपने आप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा।
तो ये देखिए गैस का फ्लेम जो है वो मैं बंद कर दे रही हूँ। अब ये थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद मैं फिर आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बंगाली स्टाइल खीर बनकर रेडी है। और जब भी आप खीर बनाइएगा इसे पानी में बिल्कुल बॉयल मत कीजिएगा, वरना खीर का जो मेन टेस्ट है वो एकदम बिगड़ जाता है। एक बार इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी रीजन से मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।